नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार की ओर से जिला स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता 2022 के तहत आयोजित विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धा का शुभारम्भ राज्य की महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोबा मांझी, विधायक दीपक बिरवा, उपायुक्त अनन्य मित्तल ने दीप प्रज्वलित कर किया। खेलो झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान चाईबासा, पुलिस लाइन मैदान, संत जेवियर बालक मध्य विद्यालय, संत जेवियर उच्च विद्यालय लुपुंगुटू और तीरंदाजी तुरतुंग सिकुरसाई मैदान में किया गया। प्रतियोगिता में पश्चिमी सिंहभूम जिले के 18 प्रखंडों के कक्षा 6 से 8 और 9 से 12 वर्ग के बालक बालिकाओं की टीम शामिल हुई। प्रतियोगिता में फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, एथलेटिक्स, कराटे, कुश्ती, तीरंदाजी, गोला, चक्का एवं भाला फेंक का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में शामिल टीम प्रखंड स्तर पर आयोजित विजेता खिलाड़ी हैं। सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री जोबा मांझी, विशिष्ट अतिथि विधायक दीपक बिरवा और उपायुक्त अनन्य मित्तल का स्वागत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतिभागी टीम की ओर से मार्च पास्ट कर किया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि शिक्षा और खेल का अटूट संबंध है। खेल से सिर्फ शारीरिक और मानसिक विकास ही नहीं बल्कि इससे भविष्य को भी संवारा जा सकता है। इससे जिला मुख्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के बालिकाओं को अपना खेल के प्रति बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा गाइडलाइन, राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार ये कार्यक्रम को शुरुआत किया है। प्यारे बच्चे, आप सबों को मेरी और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि शिक्षा और खेल ये दोनों अटूट संबंध है और खेल से आपकी शारीरिक बौद्धिक का क्षमता का विकास होता है, साथ ही साथ खेल से आपका भविष्य भी आगे बढ़ाता है, भविष्य को तैयार होता है। मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि खेल इंसान के अंदर टीम भावना को जगाता है और बच्चों को इसी भावना के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सिर्फ आप लोग को यह ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसा इस मैदान में बालिकाओं का जो फुटबॉल टूर्नामेंट होगा, इसमें आपकी जो टीम है, टीम वर्क आपकी तालमेल बना रहे, अनुशासन के साथ आप खेले। जैसा हमारे उपायुक्त कहा कि यहाँ से आप लोग खेलेंगे और यहाँ अच्छा आपका प्रदर्शन होगा और यहीं से राज्य स्तरीय आपका खेल को भी पहुँचाया जाएगा। आपके खेल का अनुसार आप अच्छा खेलेंगे, यहाँ से चयन हो करके राज्य स्तरीय आप पहुँचेंगे। मेरी ये शुभकामनाएं होगी कि खेल और शिक्षा का क्षेत्र में हमारा जिला आगे बढ़े और इस जिला का नाम रोशन हो, आपकी भविष्य बने, आपकी भविष्य उज्ज्वल हो, दोनों चीजों से हमारे जिला आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना है। और आपको बता, विधायक दीपक बिरवा ने कहा कि झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किए गए खेलो झारखंड प्रतियोगिता ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के बौद्धिक एवं मानसिक विकास के साथ साथ प्रतिस्पर्धा की भावना एवं शारीरिक क्षमताओं के विकास के लिए समर्पित है। खेलो झारखंड के तहत मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित झारखंड सरकार की माननीय मंत्री श्रीमती जोबा मांझी जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे जिला के उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल जी, उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी जी, तमाम पदाधिकारीगण, जिले से आए हुए सभी
छात्राएं, पत्रकार बंधु तमाम को आज के इस अवसर पर मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी हार्दिक बधाई। क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा खेलो झारखंड का जो अभियान वर्तमान सरकार के द्वारा शुरू की गई है, इससे बच्चों के बौद्धिक और मानसिक विकास के अलावा बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना, कंपटीशन की भावना और एक शारीरिक जो स्थितियां हैं जिसका विकास संभव हो सकेगा। इसलिए आज सरकार का ये जो प्रयास है, इसी के तहत हम लोग आज इस जिला में इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, ये कार्यक्रम हमारे इस जिला मुख्यालय में आयोजित है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे आने वाला पीढ़ी को एक सजग और समृद्ध बनाने का प्रयास है और ये निरंतर चलना चाहिए। और सरकार जिस तरीके से इन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहती है वो सराहनीय कदम है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक प्रयास है पूरे झारखंड राज्य के लिए कि निचले स्तर से जिला स्तर, फिर जिला स्तर से राज्य स्तर तक इस कार्यक्रम को बढ़ाने का जो प्रयास है वो बहुत सराहनीय है। मैं आज के इस अवसर पर तमाम बालिकाओं को और आयोजन के लिए मानव संसाधन विकास विभाग के तमाम पदाधिकारी। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार जिले भर में इसका आयोजन किया गया और बेहतरीन खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर के लिए चयनित खिलाड़ी अपना परचम लहराएंगे। हमारे स्पेक्टेटर्स और मीडिया के सभी को जोहार। आज यहाँ पर राज्य स्तरीय खेलो झारखंड कार्यक्रम का आगाज किया जा रहा है। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, मार्च पास्ट किया गया और शहर के कई इलाकों में अलग अलग स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है। यहाँ पर एथलेटिक्स में, फुटबॉल में, कराटे में, जूडो में हम लोग कई स्पोर्ट्स का माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश के अनुसार इसका पालन कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम कराया जा रहा है जो मूलतः सभी बच्चों में स्पोर्ट्स की भावना को जगाने के लिए और एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंप्लीट माहौल क्रिएट करने के लिए इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। सभी गांवों में स्कूल वार इस कार्यक्रम को किया गया, उसके बाद प्रखंड वार इस कार्यक्रम को किया गया, आज जिला स्तरीय कार्यक्रम का आगाज हुआ है। इसके बाद यहीं से बच्चे जीत कर एन के एन प्रकार के स्पोर्ट्स में राज्य स्तर पर भी जाएंगे और राज्य स्तर में भी मैं चाहूंगा कि पश्चिमी सिंहभूम अपना परचम लहराए। हिंदूवादी नेता एवं गिरिराज सेना के संरक्षक दिवंगत कमलदेव गिरी के हत्यारों को फांसी की सजा देने को लेकर आज जमशेदपुर के साक्ची गोलचक्कर पर हिंदूवादी संगठन एवं बजरंग दल के लोगों के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। मालूम हो कि विगत 12 नवंबर को अज्ञात अपराधियों के द्वारा कमलदेव गिरी को बम से मारकर हत्या कर दिया गया था, जिसके बाद से पूरे कोल्हान में आरोपियों के विरुद्ध हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं हत्याकांड में शामिल मुख्य सूत्रधार एवं अपराधियों की धरपकड़ के लिए लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ये जो जन हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, ये कब तक चलेगा और कहां तक चलेगा? ठीक है, स्वर्गीय कमलदेव गिरी जो हिंदू हित के लिए सदैव समर्पित रहे हैं और जिस तरह से उनका निर्मम हत्या किया गया है, ये कहीं न कहीं आज के परिवेश में अक्षम्य नहीं है। और जब तक सही दोषियों को उचित कार्रवाई करते हुए उसकी फांसी की सजा नहीं होती है, तब तक ये निरंतर आंदोलन का रूप लेकर के अभी हस्ताक्षर अभियान चलता है। इसके बाद जो है जन आंदोलन के साथ साथ
सड़क से लेकर के सदन तक इस मुद्दे को लेकर के आंदोलन करने के लिए लोग बाध्य हैं, और उसका एक कड़ी है सनातन उत्सव समिति जो सदैव हिंदू हित के लेकर के बात करती है, सदैव हिंदू हित को लेकर के कार्य करती है, और कमलदेव गिरी के प्रति उनकी श्रद्धा को लेकर के जो स्नेह है उसको दिखाते हुए आज हम हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किए हैं, जो निरंतर जारी रहेगा। जब तक दोषियों को उचित कार्रवाई नहीं होता है, उसको सजा नहीं मिलता, तब तक निरंतर जारी रहेगा। विधायक दीपक बिरवा ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता जे होरो, कनीय अभियंता राम उराव और सहायक अभियंता धर्मेंद्र कुमार के साथ सरनाडी में बैठक की। बैठक में 22 नवंबर को विधायक के द्वारा आयोजित शहर वासियों के साथ परिचर्चा में शहर की विभिन्न समस्याओं को उठाया गया था, जिस बाबत विधायक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंताओं को आम लोगों के द्वारा उठाए गए समस्याओं से संबंधित रिपोर्ट संलग्न करते हुए 15 दिनों के अंदर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आया आया नीलम शुभ स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शुभ, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू राजावाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस, डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रूंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने मानसून का आगमन विलंब होने को लेकर आच्छादन में कमी के कारण पश्चिमी सिंहभूम जिला के 3 प्रखंड चैबासा, खुटपानी और आनंदपुर को सिवेरे कैटेगरी और शेष 15 प्रखंड झिकपानी, टोंटो, जगन्नाथपुर, नौमुंडी, मझगांव, कुमारडुंगी, मंझारी, तातनगर, चक्रधरपुर, सोनवा, गोइलकेरा, मनोहरपुर, बंदगांव, हाटगमरिया और गुदड़ी को मॉडरेट कैटेगरी के तहत सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों के अर्हता रखने वाले किसानों को झारखंड सरकार की ओर से तत्काल अनुग्रहित प्रदान किया जाएगा। चक्रधरपुर थाना के भारत भवन चौक के पास 12 नवंबर को हुई कमलदेव गिरी की हत्या में प्रयुक्त हथियार को जिला पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने अब तक इस हत्या में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस ने कमलदेव गिरी हत्याकांड में प्रयुक्त हथियार एवं गोली, स्कूटी, मोटरसाइकिल को बरामद किया है। इस हत्याकांड में पुलिस ने हत्या के साजिशकर्ता सतीश प्रधान, हमलावर रकीब, जाहिद, हासिम और शकीर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूरे घटनाक्रम में अपनी संलिप्तता की बात स्वीकार कर ली है। उनके निशानदेही पर कांड में प्रयुक्त हथियार एवं गोली भी बरामद किया गया है। दिनांक 12 नवंबर को चक्रधरपुर थाना अंतर्गत कमल देवगिरी की हत्या कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा की गई थी। पूर्व में इस घटना का उद्भेदन करते हुए हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुनः इस घटना के मुख्य साजिशकर्ता सतीश प्रधान को पुलिस रिमांड पर लेकर हम लोग लगातार पूछताछ कर रहे थे, और पूछताछ के क्रम में आई जो तथ्य हैं उसके आधार पे एवं जो हम लोग का सूचना विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई उसके आधार पे हम लोगों ने छापामारी की लगातार, और इसी क्रम में हम लोगों ने इस घटना में जो मुख्य रूप से कमलदेव गिरी पे हमला करने का जिन लोगों ने कार्य किया था और सतीश प्रधान के साथ जो मिलकर पूरे घटनाक्रम की साजिश रची थी,
जाहिद और उसके साथ रकीब, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त जो एक्टिवा स्कूटी था जो सतीश प्रधान का ही है उसको भी बरामद किया गया है और साथ ही एक अन्य मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। साथ ही घटना में जो इन्होंने फायरिंग करने में यूज़ किया है सिंगल शॉट देसी कट्टा, उसके साथ अन्य दो देसी कट्टा और गोली बरामद की गई है। इसके अलावा जो इनका मोबाइल फ़ोन इन्होंने रेकी करने में और सूचना आदान प्रदान करने में यूज़ किया था उसकी भी बरामदगी हुई है, तथा जिस स्रोत से इन लोगों ने एक्सप्लोसिव मटेरियल एकत्रित कर जो सुतली बम बनाया था उसको प्रोवाइड करने वाला जो मुख्य आदमी है और जो बम बनाने में जिसने मदद की थी हाशिम और शाकिर, इन दोनों की भी गिरफ्तारी हुई है। और इन्होंने जो अपने बयान में बताया कि इन्हें कितने पैसे मिले और जो इन्होंने सहयोग प्रदान किया उससे पूरे घटनाक्रम में हम लोग को बहुत अच्छे तथ्य सामने आए हैं और हम लोग अग्रतर अनुसंधान जारी रख रहे हैं। साथ ही साथ जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो इसमें रकीब का पूर्व का आपराधिक इतिहास पाया गया है आम सेट का और जो हाशिम है। पश्चिमी सिंहभूम जिला में बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय परिषद और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के विभिन्न पदों पर रहे विकास दोदराजका को राज्य स्तरीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्य के रूप में चयनित किया गया है। विकास दोदराजका ने रोटरी क्लब इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। देखभाल एंड संरक्षण वाले बालकों के लिए बेहतर कार्यों के फलस्वरूप उन्हें जिला प्रशासन के द्वारा चाईबासा गौरव और झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा सर्वोत्तम PLV का सम्मान भी मिला है। आज के लिए बस इतना ही, कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।